वेलकम टू एस जे इंसेप्शन योर एक्वेरियम चैनल। ये है गोल्डफिश हाउस इंडिया का इस साल का दूसरा हाई क्वालिटी फैंसी गोल्डफिश का स्टॉक। सो ये फरवरी मंथ में इस साल का इनका सेकेंड शिपमेंट है फैंसी गोल्डफिश का, जो आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको हर एक हाई क्वालिटी की खूबसूरत गोल्डफिश दिखाएंगे। सो हमारे साथ है गोल्डफिश हाउस इंडिया के ओनर मिस्टर शम्स परकर। कैसे हो शम्स भाई आप? अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तो भाई जनवरी में आपका हमने स्टॉक देखा था, अभी कुछ ही हफ्ते हुए आपका सेकेंड स्टॉक आया है इस साल का, क्या लाए हो इस स्टॉक में आप? तो इस स्टॉक में हमारे पास ओरेंडाज आया है, बट ये ओरेंडाज में यूनिकनेस ये है कि इनका टेल, ये शिपमेंट में हमारे पास ऑर्किड टेल और पीकॉक टेल ओरेंडाज आए हैं। ओके, पीकॉक टेल यानी पीकॉक जैसी बड़ी टेल होती है, जैसे कि पीकॉक की जो फेदर्स होते हैं, जो वो फेदर्स फैलाती है, तो ये ओरेंडाज में कोई कोई चीज़ ऐसे है जैसे उनकी टेल जो है वो टेल फैल जाती है पूरे उनके बॉडी के थ्रू, तो उनको बोलते हैं पीकॉक टेल ओरेंडा। तो हम लोग आपको दोनों दिखाने वाले हैं, पीकॉक टेल आपको दिखाएंगे, आपको ऑर्किड टेल दिखाएंगे सिंगल सिंगल पीस सिलेक्ट करके, फिर आपको उनका जो ब्यूटी है वो आपको समझ में आएगा। शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल। सो इस बार इस शिपमेंट में गोल्डफिश हाउस इंडिया में कुछ यूनिक वैरायटीज़ आई है पहली बार, जो हम इस टैंक में आपको दिखा रहे हैं। शम्स भाई हमको बताएंगे कि यह क्या ये यूनिक वैरायटी है। सो इसमें हमारे पास ट्राई कलर है, कुछ पांडा है और कुछ अपाचे है। अच्छा, जो आप देख सकते हो उसमें जो रेड हेड और ब्लैक बॉडी वाले हैं जो वहाँ पे है। जी जी जी, ये अच्छा। सब ट्राई कलर पैटर्न में आते हैं। तो ये रेड हेड है और इनकी बॉडी ब्लैक कलरेशन की है। जी, ये वाली क्या वैरायटी है? ये ट्राई कलर में आती है, जो रेड हेड ब्लैक बॉडी है। अच्छा, वो ट्राई कलर पैटर्न में आती है। अच्छा। और आप जो ऑरेंज भी फिंच देख सकते हो, ये वाली है। जी जी, ये अपाचे में आती है। बट ये जो कलर्स आप देख रहे हो ये सब बहुत ही यूनिक कलर्स है, ये कलर्स बहुत ही कम मिलते हैं। ये वाला जो है बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है। यस, बिकॉज टेल फिन अगर हम उसकी देखेंगे तो ठीक नीचे के दो एंड के तरफ और ऊपर के टॉप के तरफ ब्लैक कलर है, और परफेक्ट पूरी बॉडी ब्लैक कलर की है। ये वाला मैं बात कर रहा हूँ, और पूरी हेड इसकी रेड कलर की है। तीन कलर्स हमको देखने को मिल रहा है इस पीस में, और बाकी के कौन से हैं वहाँ पे भी आप देख सकते हो, रेड है, ब्लैक बॉडी में है दो पीस, बहुत ही ब्यूटीफुल है। जी जी जी, बहुत कमाल के पीसेस आए हैं इस बार। सो इनकी प्राइस जान सकते हैं हम लोग? इनका प्राइस स्टार्टिंग होता है 6000 से। ओके, अप टू 8000। ओके, और साइज़ क्या है इनकी? इनका साइज़ ये सब सेमी जॉइंट है, आप देख सकते हो उनका साइज़ जो है भी करंटली 4-5 इंच बॉडी है ऑलमोस्ट। सो भाई ये कलर ऐसा मेंटेन रखने के लिए क्या फूड इनको खिलाना चाहिए? क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि रेड इसका कलर जो है ना बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही मतलब एक प्रॉपर रेड कलर है, तो ऐसा बरकरार रखने के लिए क्या इनको फीड देना चाहिए? गोल्डफिश का कलर मेंटेन करने के लिए आपको तीन चीज़ का ध्यान देना चाहिए हमेशा, एक तो होता है वाटर क्वालिटी, सेकेंड इज़ फीडिंग एंड थर्ड इज़ लाइट। आपको वाटर क्वालिटी के लिए आपको फिल्ट्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए, फिल्ट्रेशन आपको एक्सटर्नल फिल्टर इज़ मस्ट। फीडिंग में यू हैव टू गिव देम गुड क्वालिटी फूड अलॉन्ग विद ब्लड वर्म्स एंड स्टीम एग। ओके, फूड में मैं सजेस्ट, अगर मैं पर्सनली ग्रूमर हूँ तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको सागी इकारी फूड खिलाने। ओके, सागी इकारी अलॉन्ग विद हमारे कुछ इंडियन ब्रांड्स है उनका फूड खिलाने। ओके, तो गोल्डफिश कैसा है, गोल्डफिश इज ऑमनिवर, तो उनको वेज और नॉन वेज दोनों का बैलेंस लगता है। अच्छा, तो वो जब उनको प्रॉपर बैलेंस डाइट मिलेगा तब उनका कलर बहुत अच्छे से मेंटेन होगा, और बल्कि मेंटेन नहीं, वो इन्हांस करेंगे अपना कलर। ओके, बेहद आई प्लीजिंग कलर्स हैं इन पीसेस के, और जो इनका कलर कॉम्बिनेशन है रेड हेड एंड ब्लैक बॉडी वो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगी, अब हम देखेंगे अगली फिश टैंक। ये अगली फिश टैंक, इसके अंदर शम्स भाई क्या वैरायटीज है? इसके अंदर हमारे पास रेड एंड वाइट ऑर्किड टेल है जी, अलॉन्ग विद ब्लैक ऑर्किड टेल एंड कुछ पीसेज वाइट ऑर्किड टेल पे हैं। ओके, जी
आप इनका टेल देख सकते हो, इनका टेल का जो शेप है जी जी और उनका टेल का लेंथ है। ये वाली आप देखेंगे तो कंप्लीट ब्लैक एंड कलर की है। उसके बाद में इसका आप कलर देखिए, बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन जो है रेड कलर का वो टॉप पे है और इसके हेड पे है, साथ ही इसको एक रेड स्पॉट ऐसा लग रहा है कि ब्लश कर रही है। देन ये कंप्लीट रेड कलर की है। उसके बाद में यहाँ पे अगेन रेड है एंड इसको सिर्फ टेल फिन के तरफ कलर आया हुआ है। तो गोल्डफिश हाउस इंडिया में हर एक गोल्डफिश सिलेक्टेड होती है, इसलिए अपने वे में यूनिक और कुछ अलग दिखती है। ये वाली अगर आप देखोगे इसके टेल फिन के बॉर्डर्स पे वाइट कलर है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। देन दिस वन यू कैन सी इनके हेड पर अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी वेन है। तो ये अगर आप देखेंगे, इसकी अगर आप देखेंगे कि ब्लश कर रही है, बराबर से सर्कुलर रेड कलर है सर्कुलर फॉर्म में। तो भाई मैं कह रहा था ये जो वेन है इनकी बहुत ही थिक है। तो ये क्या जायंट ओरेंडा उसमें आती है या लायन हेड में आती है? ये जायंट ओरेंडा थर्ड लाइन है। अच्छा, बट ये लायन हेड वैरायटी नहीं है। अच्छा, तो ओरेंडाज में अलग अलग वैरायटी होती है, जैसे कि कोई कोई ओरेंडाज का वेन बड़ा होता है, कोई कोई ओरेंडाज का टेल बड़ा होता है। तो ये भी इसका यूनिकनेस है कि इनका टेल यूनिक है, इनका टेल का लेंथ बड़ा है। अच्छा, और सिर्फ टेल का लेंथ बड़ा नहीं है, आप देख सकते हो कि इनके टेल में आप यहाँ पे देखो बेंड्स है, टेल बोन में बेंड्स है जी, आपको देख रहे हैं टेल में बेंड है बीच बीच में जी जी। तो ये है ऑर्किटेल ओरेंडाज। अच्छा, तो ये आपको टेल, ये टाइल टाइप आपको खाली ऑर्किटेल ओरेंडाज में दिखेंगे और कोई आपके नॉर्मल ओरेंडाज में दिखेंगे नहीं। इनकी कैसी प्राइजेस है? इनका प्राइजेस स्टार्ट होता है 2500 से, 2500 से जी। ओके, तो ये नेक्स्ट फिश टैंक, इसके अंदर भाई क्या पीसेस है? इसमें भी हमारे पास रेड, रेड एंड वाइट और ब्लैक में है। अच्छा, और ये सब ऑर्किड टेल है। ऑर्किड टेल है ये? ओके, आप हमारे पास जो भी ओरेंडा आलम कवर कर रहे हैं तो सब के सब ओरेंडा ऑर्किड टेल वैरायटी में ही है हमारे पास। अच्छा जी, ऑर्किड टेल मतलब कैसी, पिकॉक टेल से क्या डिफरेंस होती है इनमें? ऑर्किड टेल में फर्स्ट ऑफ ऑल टेल का लेंथ ज़्यादा होता है। अच्छा, एंड आप देख सकते हो कि इनके टेल में बेंड्स है जी जी जी, तो उनको ना वो एक राउंडर शेप देता है टेल को। ओके, सो देन इसके ठीक नीचे वाली फिश टैंक है, इसके अंदर क्या वैरायटीज है? क्या पीछे हमारे पास रेड एंड वाइट और रेड में ऑर्किड टेल ओरेंडा है। ओके, और इसमें कुछ टेल में कुछ डिफरेंट भी दिखाई दे रही है जी। इसमें हमारे पास कुछ कुछ पीसेज बहुत ही यूनिक आए हैं, जिनको हम बोलते हैं पिकॉक टेल। तो पिकॉक टेल ओरेंडा का टेल रहता है वो आपको जो मैंने बताया, पिकॉक टेल भी फेदर टेल रहता है एकदम ओपन रहता है। ओके, तो वो हम अलग से आपको दिखाने वाले हैं वीडियो के एंड में। तो ऑर्किड टेल और पिकॉक टेल में बड़ी कौन सी टेल होती है? ऑर्किड टेल और पिकॉक टेल सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, पर पिकॉक टेल कैसा है, ऑर्किड टेल साइड व्यू में अच्छी दिखती है। अच्छा, बट पिकॉक टेल टॉप व्यू से अच्छी दिखती है। तो बटरफ्लाई टेलीस्कोप के ऐसा ही पिकॉक टेल का जो टेल है वो ऊपर से अच्छा दिखता है। सो हियर इज द नेक्स्ट फिश टैंक एंड इसके अंदर हमको बहुत ही अलग पैटर्न्स और अलग कलर्स दिखाई दे रहे, कलर कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे। तो सबसे पहले ये वाला पूछना चाहूँगा, ये वाला क्या है? दिस इज अ लेमन हेड ऑर्किड टेल ओरेंडा। अच्छा जी, उसके बाद में ये वाले जो रेड, दिस इज अ रेड एंड वाइट ऑर्किड टेल। ओके, दिस इज आल्सो रेड एंड वाइट ऑर्किड टेल। ओके, इनकी साइज क्या है? इनका साइज करंटली 3.5 इंचेस से स्टार्ट होता है। ओके, अप टू 6 इंचेस। ओके, ये सब ओरेंडा जो अभी आप देख रहे हो सब जायंट ब्लड लाइन के ओरेंडा है। जायंट ब्लड लाइन जी। अभी फिलहाल का साइज जो है वो आप बोल सकते हो कि सेमी जायंट है, बट ये ग्रो होंगे अप टू 8 to 9 इंचेस। ओके, और इस वैरायटी की अगर हम डोर्सल फिन देखेंगे तो उसके सराउंडिंग में पैटर्न आया हुआ है। तो ये कुछ यूनिक पीसेस हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक पूरा बार स्ट्राइप जैसा पैटर्न है रेड कलर का, और लेमनेड में हमको टेल फिन के तरफ रेड कलर दिखाई दे रहा है।
सो ये अगली टैंक हम आपको दिखा रहे हैं, इसके अंदर के क्या पीसेस है? इसमें का हमारे पास रेड ऑर्किड टेल है, रेड एंड ऑर्किड टेल है, ओके, और फुल वाइट में एक या दो पीस है इसमें, फुल वाइट में जी, जैसे कि साइड में जो है, ओके। अच्छा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ओके। और ये लेमनेड में आता है जी, ये लेमनेड ऑर्किड टेल है, और इनका टेल देख सकते हैं, टेल कितना ब्यूटीफुल है जी 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 जी, बहुत ही फैल रहा है। और इसके अंदर वाइट बेली रेड टॉप, ओ या, ये कैसा टेल बोला जाता है इसको? ये ऑर्किड टेल है। अच्छा। देखो ओरियंटस में कैसा है, सबका टेल का शेप ये रहता है, बट मैटर करता है कि इनके टेल में जो फ्रिल देख रहे हो, बैंड्स देख रहे हो, ये बैंड्स इनको यूनिक बनाते हैं। ओके ऑलराइट। और ये ब्लैक वाली भी ऑर्किड टेल है जी? ये ब्लैक वाली भी ऑर्किड टेल है। तो इस स्टॉक में, इस शिपमेंट में मोस्टली ऑर्किड टेल से आपके पास ज़्यादा? राइट। एज वी सेड अर्लियर, आपको हम लोग पिकॉक टेल वीडियो के अंत में दिखाने वाले हैं। सो ये रही वो पिकॉक टेल, शम्स भाई क्या बताना चाहोगे? सो ये है हमारी स्पेशल स्पेशल फिश, ये बहुत ही यूनिक, बहुत यूनिक नहीं, बहुत ही रेयर बोल सकते हैं। अच्छा। क्योंकि ये टाइप की टेल हज़ारों में एक मिलती है। ओके। जी, और ये बहुत ही मतलब कम फार्म्स बनाते हैं इन द वर्ल्ड, और वी आर लकी इनफ टू हैव दिस इन इंडिया। हम लोग ये कट देख सकते हैं राइट इन द सेंटर, और वहाँ से जो वो स्प्रेड हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वल पार्ट्स है उस टेल के दोनों तरफ। एंड टेल के सेंटर में एक रेड कलर है जहाँ से टेल फिन शुरू होती है, एंड दोनों के साइड में बराबर का जो फिन्स है, टेल फिन्स है, बराबर के हैं, तो इसको पिकॉक टेल कहा जाता है जी। ये पिकॉक टेल है। ओ वेरी ब्यूटीफुल। सो ये था फेब्रुअरी मंथ का गोल्डफिश हाउस इंडिया का स्टॉक। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी गोल्डफिश पसंद आई तो आप शम्स भाई के कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी फिश कीपिंग एंड हैव वंडरफुल डे अहेड।